नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैथ्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, एक बार बोल रहा हूँ, बनाना बोल रहा हूँ, ना कि जानना। ठीक, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो दिए हुए अंक के यदि यूनिट प्लेस में 1, 4, 5, 6, 9 दिखे तो इसे आप देख के एक बार कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही। जैसे कि एक नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ से मैं 6 ले लेता हूँ, और यदि जैसे 36 दिखा, ठीक है, तो ये 6 का वर्ग है, ये तो आप देखते ही जान जाएंगे। यदि यहीं पे मैं 56 लिख देता हूँ तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं ना, क्योंकि इसके भी यूनिट प्लेस में तो 6 है और इसके भी यूनिट में 6 है। तो ये जरूरी नहीं कि ये नंबर 1, 4, 5, 6, 9 दिखे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही। हाँ, एक बार आप बना के कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो ये बनाने वाली है। और अब जानते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे दिए हुए अंक के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 दिखे तो इसे तो आप देखते ही 100% श्योर होकर टिक मार देंगे, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एक और तरीका होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर जानने का, वो होता है डिजिटल रूट। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल रूट क्या होता है। जैसे यहां मैंने लिख दिया 3, 3, 5, 9। ठीक है, तो इसका डिजिटल रूट क्या होगा? तो इसे हम ऐड करते हैं 3 + 3 + 5 + 9। ठीक है, तो 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 9, 20। ठीक है, 20 में भी ये 0 ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 2। तो ये 3, 3, 5, 9 का डिजिटल रूट होगा 2। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे डिजिटल रूट क्या होता है। और इसी के ही जरिए इसमें से रिलेटेड प्रश्न बनाया भी जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और इनमें से नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो डिजिटल रूट का ही अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। यदि डिजिटल रूट का सम 1, 4, 7, 9 दिखे, याद रखेंगे 1, 4, 7, 9 दिखे, बने या आए, तो आप कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यदि डिजिटल रूट का सम 2, 3, 5, 6, 8 आए, ठीक है, यदि डिजिटल रूट का सम 2, 3, 5, 6, 8 आए तो आप डायरेक्ट मार देंगे कि इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और अधिकतर एग्जाम का में एग्जामों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल रूट का। ठीक है, तो खैर ये तो टॉपिक नहीं था, फिर भी मैं बता दिया। आज हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न दिया है 39, 39 का वर्ग क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम देखेंगे कि इसके नियरेस्ट आगे पीछे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ये 39 के पीछे 36 होता है, जो 6 का वर्ग होता है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 6, 36। ठीक, अब इससे जो 39 का वर्ग बनेगा वो 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। अब वही समथिंग क्या होगा जो बनेगा? वो 6 से कुछ ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि 6 का वर्ग तो 36 होता है और प्रश्न दिया है 39, तो 6 से ज्यादा ही बनेगा ना भाई। और यदि दिए हुए प्रश्न, यदि आप जो एग्जाम्पल लिए हैं, यदि दिए हुए प्रश्न से आप छोटा लेते हैं तो प्लस के साथ बनाएंगे, तो कैसे बनेगा वो सीखते हैं। तो 6 के साथ जो भी वर्ग आएगा वो तो जुड़ेगा ही नहीं, तो 39 और ये 36 का डिफरेंस लिखेंगे। तो 39 और 36 का डिफरेंस होता है 3, और उसके बटे में जो 6 है उसका हम डबल कर देंगे, 6 का डबल होता है 12। ठीक है, अब इन दोनों को काट के ही जो भी आएगा उसको इस 6 से ऐड कर देंगे। तो चलिए 3 को काटते हैं एक बार, अब ये कटता है 12 चार बार, 3 से 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब इसे और काटते हैं, 1 को 4 बार में काटेंगे तो ये आएगा 0.25। ठीक है, तो यही जुड़ जाएगा दोस्तों, 6 में 6 + 2.5 = 6.25, यही इसका आंसर है। तो 39 का वर्ग होगा 6.25। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है 54। अब हमें पता करना है इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा बनता है। तो 8 का 64 होता है और 7 का 49 होता है, तो 49 ज्यादा करीब है।
इसलिए हम 7 का वर्ग लेंगे, 7 का वर्ग बराबर 49। अब जो 54 का वर्ग आएगा, ठीक है, और 49 हम 54 से छोटा लिए हैं, तो 7 में 7 का 7 से बड़ा है ना भाई 54, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका वर्ग 54 का, तो उसे ही 7 में ऐड कर देंगे, तो 7 प्लस 49 और ये 54 का डिफरेंस होता है दोस्तों 5। ठीक है, आगे ऊपर बताया था ये 5 के नीचे में हम ये 7 का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब इसे ही काट के 7 से प्लस कर देंगे, तो 5 को यदि 14 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, 5 को यदि 14 से काटेंगे तो ये 0.336। ऐसे एक ही डिजिट लेंगे तो भी चलेगा, दो डिजिट लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो उसे ही 7 के साथ ऐड कर देंगे, 7 प्लस 0.36, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.36, यही इसका आंसर है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ दिया है 114। अब हमें जानते हैं ये 10 के वर्ग के नियरेस्ट है, 10 का वर्ग होता है 100, तो 114 का जो आप वर्ग निकालेंगे वो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो 10 प्लस, अब ये 114 और ये 100 का डिफरेंस होता है 14, यहाँ 10 का डबल कर देंगे तो 10 का डबल होता है 20। अब 14 को 20 से काट देंगे तो ये जाएगा 0.7। ठीक है, दशमलव लगा के 0 कर देंगे तो 140 हो जाएगा, तो 7 टाइम जाएगा, तो इसे ही 10 के साथ ऐड कर देंगे 0.7 को, तो 114 का आंसर आ जाएगा 10.7, यही इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिया है 15 28 का वर्ग। अब इसे कैसे बनाएंगे, इतना लंबा चौड़ा वर्ग तो हमें आता ही नहीं है, तो हमें 10 20 ये सब का तो वर्ग आसानी से आता है, तो इसके नियरेस्ट वर्ग है 40। 40 का वर्ग बराबर 1600। अब चूंकि यहाँ पे जो हम वर्ग ले रहे हैं वो दिए हुए प्रश्न से बड़ा है, याद रखेंगे जो हम ले रहे हैं नियरेस्ट वर्ग वो प्रश्न से दिया हुआ वर्ग से बड़ा है, तो इस 40 से माइनस करेंगे ना भाई, इसी का तो वर्ग लिए, ऊपर हम छोटा ले रहे थे 10 का वर्ग लिए 100 जो कि 114 से छोटा था, तो 10 में ऐड करते थे। अब यहाँ पे हम 128 में 1600 ले रहे हैं 40 का वर्ग, तो 40 से माइनस करेंगे तब तो इसका आंसर आएगा ना, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब जो इसका आंसर निकालेंगे वो 40 में माइनस करेंगे, तो 40 माइनस, अब इन दोनों का डिफरेंस 1600 और 1528 का डिफरेंस होता है 72। अब यहाँ बटे में 40 का डबल कर देंगे तो 40 का डबल होता है 80। ठीक है, अब ये 80 से 72 को काटेंगे और उसे ही इस 40 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो 72 तो कटेगा नहीं, 80 से दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, तो ये 720 मतलब 8 नहीं है 72, तो 0.9 इसका आंसर। अब ये 40 से माइनस करेंगे 0.9 को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिजिट लिए थे तो 40 से माइनस होगा ना भाई, यहाँ छोटा लेते थे तो प्लस होता था, यहाँ बड़ा लिए हैं तो माइनस होगा, उम्मीद कर तो ये समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर होगा 40 से यदि 0.9 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39.1, 39 माफ कीजिए, इसका आंसर होगा 39.1, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।